वालेकुम उम्मीद है कि सब ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे तो मेरी तरफ से आप सब को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो अल्लाह करे हमारे लिए ये नया साल बहुत ही अच्छा साबित हो और मेरे सब देखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो आमीन सुब आमीन जी हाँ तो जी मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे आज और सारा दिन आज शॉपिंग ही करेंगे और सारा दिन ही घूमे फिरेंगे तो ये है मेरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की लास्ट शॉपिंग और मैं आई हूँ इधर आउटलेट पे तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जिसकी आउटलेट है ये तो बस बच्चों को कुछ शॉपिंग चाहिए थी और फिर छुट्टियाँ ओवर हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी तो बस आ, आ, आगे मैंने मौसम चेक किया वेदर चेक किया तो काफ़ी ख़राब और ठंडा वेदर आ रहा है तो मैंने कहा चलो आज के ही दिन है तो चले जाते हैं और चक्कर लगा लेते हैं और बच्चों को जो चीज़ें चाहिए तो वो भी ले लेंगे तो बस हम आ गए इधर और इधर काफ़ी रश लगा हुआ था काफ़ी लोग आए हुए थे तो बस हम भी आ गए और आ ये है पेंसर में इधर आ गई हूँ और इधर मैं अक्सर आती हूँ और अक्सर मैं यहीं से मुझे कपड़े वग़ैरह जैकेट सब कुछ मुझे बहुत अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जा मिल जाते हैं अच्छा तो मैं इधर वीडियो बना रही थी तो इन दोनों को मैंने देखा तो मैंने कहा देखो जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना वो एंड तक ही एंड तक लोग निभाते हैं जो सच्चे लोग होते हैं जो मन के सच्चे होते हैं और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा है तो बस हमने इधर शॉपिंग में आपको अभी नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी तो इधर से मार्क्स से मैंने मेरे ख्याल में मुझे कुछ पसंद नहीं आया था मैंने लिया भी नहीं फिर हम आगे निकल आए और इधर ये एक एक शॉप हम चेक कर रहे थे लेकिन इधर मैं कड़ी थी इस को देख रही थी तो ये छोटा सा जो वैन खड़ा है ना तो इसमें ये डॉग्स के ख़ुराक कोई कुकीज़ वग़ैरह इन लोगों ने बेक की हुई है वो बेच रहे हैं तो बस एक ही अक्सर तो मेरे बच्चों को चाहिए तो मेरे हस्बैंड और वो ही चले जाते हैं अंदर मैं बाहर रह जाती हूँ और इधर ही घूमती रहती हूँ तो मैंने कहा आप लोग अंदर चले जाओ जिन जिन को शॉपिंग की चाहिए तो वो ही जाए अच्छा फिर इधर मैं काफ़ी दिनों से अपने लिए वॉच देख रही हूँ लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ पर फिफ्टी सेल लगी हुई थी तो हस्बैंड ने कहा इधर आके चेक करो लेकिन मैं जो चेक कर रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा तो ये काफ़ी काफ़ी लगे हुए थे तो इधर भी मैंने नज़र दोहराई एक दो अच्छी भी लगी लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये मुझे मैंने ये नहीं लेना जो मुझे डिजिटल वॉच चाहिए तो उसके लिए अभी मैं वेट करूँगी वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन मैं, मैं मैं मेरा दिल है कि मैं वही ख़रीदूँ तो बस मैं इधर यही वॉच देख रही थी ये भी काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव लगे थे जो वॉच लवर्स हैं ना उनको पता होगा तो मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है तो इन लोगों ने काफ़ी ली भी है और काफ़ी ख़राब भी की है और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स की ली है तो अभी मैं कहती हूँ कि नहीं जो मैंने लिए है फ़िलहाल वही यूज़ करो थोड़े से और बड़े हो जाओ तो फिर मैं और लेकर दूंगी आप लोगों को अच्छा फिर इधर ही इसी शॉप में लगी हुई थी काफ़ी पर्स और इन पे भी काफ़ी प्राइसेस इन पे भी लगी हुई थी लेकिन यकीन करें साथ में छोटा बच्चा होना तो ये, पर्स क्या सब कुछ बंदे से भूल जाता है तो फिर मैं इधर पर्स देख रही थी लेकिन काफ़ी इधर भी ये तो जो मैं अभी देख रही हूँ काफ़ी ओल्ड डिज़ाइन के इससे अच्छे अच्छे भी काफ़ी लगे हुए थे लेकिन फिर वही बात के मैंने कहा नहीं अभी मैंने पर्स नहीं लेना क्योंकि ये मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो फिर ले लूँगी और बेटी को तो बस सिर्फ बहाना चाहिए चीज़ ख़रीदने का तो इसको ये पर्स पसंद आ गया लेकिन मुझे इसका ये था काफ़ी महंगा लेकिन इसका ये स्टफ़ मुझे पसंद नहीं आया और छोटा सा पर्स था और थ्री हंड्रेड पाउंड का तो ये भी मुझे आम, पसंद नहीं आया बंदा ले लेता है लेकिन थोड़ी सी वो क्वालिटी तो अच्छी हो ना तो ये भी फिर मैंने छोड़ दिया अच्छा ये लॉन्ग बड़े वाले लॉन्ग पर्स जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे लेकिन मैंने कहा अब मैं घर लेकर जाऊंगी और यकीन करें जो लोग यूके के हैं उनको पता हो गया ये छोटे छोटे घर होते हैं बस इसमें वो चीज़ लेकर आ आ जो ना तो ख़राब ही हो जाता है तो मैंने कहा नहीं जब यूज़ करूंगी तब ले लूँगी आ, सेल तो लगी हुई है लेकिन मैं अक्सर यहाँ पे आती रहती हूँ तो मैंने कहा कोई बात नहीं फिर नेक्स्ट टाइम सही जब मुझे पता चले कि अब मेरे हैंड फ्री हो गए ना और बच्चा ब, बेटा बड़ा हो जाए तो फिर ज़रूर लूँगी इन अच्छा इन लोगों ने स्ट्रीज और सब कुछ तो काफ़ी सजा हुआ है और काफ़ी इन लोगों ने सजावट की है तो बस इसके कुछ ही दिन है तो बस थोड़े दिनों बाद ये उतार लेंगे अब इधर हम आ गए हैं नाइक में मेरे ख्याल में नाइक ही है ना� अच्छा इधर बच्चों को चाहिए थे कुछ शूज़ तो बस बेटे वही देख रहे थे मैं इधर अंदर आ गई थोड़ी देर के लिए फिर मैं बाहर चली गई मैंने कहा मैं चलो जो आप लोग को जो पसंद हो तो वो आ, मर्दों को ज़्यादा पता होता है तो मैंने हस्बैंड के साथ ही इसको छोड़ दिया बच्चों को मैं बाहर निकल आई छोटे बेटे के साथ मैं बाहर बैठी हुई थी क्योंकि वो भी फिर बहुत तंग करता है अंदर बोर हो जाता है मैं इधर फिर आई उधर से हमने शॉपिंग की इधर आ गई मैं बॉडी शॉप पे और जब भी मैं यहाँ से आती हूँ तो यहाँ के यहाँ से स्क्रब वग़ैरह मैं अपने लिए लेती हूँ ये विटामिन सी की पता नहीं वीडियो मैंने क्यों नहीं लेकर आई लेकिन खैर मैं एंड में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को तो मैं हमेशा ये स्क्रब लेती हूँ यकीन करें काफ़ी अच्छा है एक्सपेंसिव तो है लेकिन यूज़ करने में और इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं काफ़ी अच्छे हैं मैं काफ़ी टाइम से तकरीबन सात आठ साल तो हो गए कि मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो यही अच्छा है और मैं हमेशा यहीं से आके ही ख़रीदती हूँ तो वैसे मैं यहाँ से ये विटामिन सी की स्क्रब उठा लूँगी और एक दूसरा है वो कोई है लोशन टाइप तो वो भी मैंने उठा ली एक वो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी लेकिन स्क्रब मैं हमेशा यही से उठाती हूँ यही से ख़रीदती हूँ अच्छा फिर इधर ना एक परफ्यूम पड़ी हुई थी जो बिल्कुल ही चम्बेली की तरह उसकी स्मेल थी और काफ़ी अच्छी स्मेल थी काफ़ी अच्छी स्मेल थी यह थी बॉडी में सॉरी परफ्यूम नहीं आ, तो न, वो मुझे इतनी अच्छी लगी लेकिन वो सारी बिक गई थी तो हस्बैंड ने दिखाई और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आ गई थी मुझे भी काफ़ी पसंद आ गई थी लेकिन बेड लक ये थी कि उन लोगों ने ये दूसरा सिरम जो इसके साथ पड़ा हुआ है ना लोशन सॉरी तो ये भी स्क्रब टाइप है इसको मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको बता दूँगी तो ये दो मैंने ख़रीदे थे अच्छा तो उसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल ही आ, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल अच्छी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी लेकिन मैंने नहीं ख़रीदी अच्छा इधर और भी काफ़ी चीज़ें पड़े होते हैं जो नेचुरल बने होते हैं जैसे टी ट्री का और आलमंड ऑयल हो गए और काफ़ी सारे सेरम सेरम सॉरी वो काफ़ी पड़ी थी तो ये थी वो मोरेंगा है कि पता नहीं कौन सी किस्ट्री क्या नाम था पता नहीं इसका तो ये थी वो परफ्यूम तो इसको काफ़ी देखा लेकिन ये बॉडी मिस्ट लेकिन नहीं मिला अच्छा इनके ये बॉडी अच्छा तो होते हैं ये इनके कोई बिल्कुल रियल ओहो ये बिल्कुल मेरे रियल टच पता नहीं रियल बनाते हैं इस तरह जैसे रोज का हो गया तो ये ये, ये है रात की रानी बॉडी बटर के और बॉडी लाइक नेचुरल थिंग्स और जिस तरह प्योर स्मेल नहीं हो तो ये मैं अभी इसी तरह होती है यही सोच रही हूं पता नहीं ये नेचुरल बनाते हैं इस तरह के नहीं तो अच्छा, ये सारे खत्म हो हैं। गए हैं इधर आ गई बाहर तो ये इन लोगों ने काफ़ी सजा सजावट की हुई थी तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ तो इधर उधर से सही नहीं कैप्चर हो रहा था तो मैं इधर आ गई आगे मैंने कहा मैं आगे थोड़ा सा आगे जाके तो चेक आ, इसको जूम करके तो कैप्चर कर लूँगी अच्छा इन लोगों ने ना पूरी पूरी ट्रीज़ को सजाया हुआ है और पूरी पूरी ट्रीज पे लाइटनिंग की है तो ये काफ़ी सामने है। आपके साथ ये ये लंदन आई जैसा ये व्हील जो नज़र आपको आ रहा है ना तो इसके साथ ये क्रिसमस ट्री लगी हुई है ये काफ़ी बड़ी है काफ़ी बड़ी लेकिन इन लोगों ने इसको भी पूरा के पूरा सजाया हुआ है ये जो आपको अभी करीब से मैं दिखाती हूँ तो ये देखें तो इन लोगों ने काफ़ी इस पर काफ़ी ख़र्चा किया हुआ है अच्छा फिर मैं इधर आ गई आ, ब्यूटी आ, ब्यूटी ब्यूटी आउटलेट आ, तो इधर आ गई मैं तो इधर से मैं अपने लिए सारे लिपस्टिक्स और मस्कारा और जितनी भी न, आ, जितने भी क्रीमें वग़ैरह हैं और लिप लाइनर तो इधर मेरा ये लिप लाइनर ख़त्म हो गया था आई लाइनर ख़त्म हुआ था बेटी ने काफ़ी सारे लिप क्लोस ले लिए हैं अच्छा तो वो भी उठा लिए इधर काफ़ी रश लगा हुआ था सो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अंदर ज़ाहरी बातें जो जगह औरतों के लिए बनी हुई होती है स्पेशली लिपस्टिक और मेकअप जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी तो ये देखें बस हमारी तकरीबन शॉपिंग हमारी ख़त्म हो गई है और अब मैं मेरे ख़्याल में हम वेट कर रहे थे यहीं पर अपने हज हस, मैं हसबेंड के लिए वेट कर रही थी तो वो इधर ही गाड़ी नज़दीक पार्किंग पे लेकर आ जाएगा फिर हम चले जाएंगे अच्छा भूख काफी लगी हुई थी तो हम आ गए हैं इधर कबाब खाने क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा थी तो इधर आए तो इतने गर्म, तो बस हम गर्म जा रहे हैं मजाई आई करे बस कबाब लिए रवाना हम हो दे रहा था तो कई जगहों पे तो बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आ रहा था तो बस मैंने कहा चलो अब अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंची जाए और कई जगह पे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन कहीं पे पता नहीं इतनी आ, के अंधेरा कहाँ से आ जाता है बस शुक्र है हम पहुँच गए अपनी सिटी और इधर बच्चों की फरमाइश आई कि हमने आइसक्रीम खाना है क्योंकि हमने उधर खाया ही नहीं खाने खाने के टाइम क्योंकि हम बहुत लेट था तो मैंने कहा ऐसा ना हो हम बहुत ही लेट हो जाएं तो बस इधर से हम आ गए बैगडोर पर और हमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया तो बस इधर से वो उठा लेंगे तो ड्राइव थ्रू पे आ गए थे क्योंकि हमने कहा कैसे गाड़ी से उतर के नहीं जा सकते तो बस इधर ही से आइसक्रीम उठाया वही ये घर जा पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही ख़त्म कर लेंगे तो बस वही का लिया और घर आए तो ये थी मेरी शॉपिंग <laughs> तो ये बास्केट वगैरह यह सारी भी मेरी शॉपिंग है सारी की सारी और ये बच्चों ने कुछ स... चीज़ें ली थी तो वो भी मैंने उठाई अच्छा सेंसबरी में काफ़ी सेल लगी हुई थी तो मैंने सेंसबरी से अपने बेटे के लिए ये शर्ट्स और इनके कपड़े सारे खरी ख़रीदें तो ये है कि ये बस बच्चों के कपड़े होना तो इतने ज़्यादा लगते हैं और दोने दोने भी ज़्यादा दोने भी ज़्यादा पड़ते हैं और ख़रीदने भी ज्यादा ज़्यादा पड़ते हैं अच्छा तो ये तो कुछ फूड था जो ये स्नैकिंग कर रहे थे रास्ते में क्योंकि इनको हर टाइम भूख ही लगती है तो ये उठाया मैंने बच्चों के कुछ ट्राउज़र स्कूल के वो उठा लिए साथ में घर के लिए कुछ क्रीम और मिल्क चाहिए थी बास्केट मेरा टूट गया था वो चाहिए था अच्छा ये है नाइक का वो एक बेटे ने शूज़ ख़रीदी वो तो ये ये दो पता नहीं दूसरा मैंने ए, वीडियो में नहीं लेकर आई एक दूसरा भी था शूज़ वाला वो मैंने नहीं आ, वो आपको नहीं दिखाया बस एक ये था दूसरा ये था और ये थी मेरी शॉपिंग तो ये थी मैंने मैंने अपने लिए लिप लाइनर लिया था आ, आई लाइनर लिया था और ये गवाशा है कि क्या है ये लिया था आ, फेस मसाज के लिए अच्छा ये ये देखे बेटी ने इतने ज़्यादा मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं था लेकिन इतने ज़्यादा लिप ग्लोस इसने लिए है इतने ज़्यादा ये है विटामिन सी वाला क्रीम जिसकी मैं आपसे बात करी थी जो काफ़ी अच्छा है और ये दूसरा वाला है विटामिन सी का तो ये कोई स्क्रब ये जो है दूसरा क्रीम टाइप स्क्रब है और ये वॉटर जैसे लोशन टाइप स्क्रब है तो इसको मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी ये कुछ चीज़ें है जो बेटी ने ख़रीदी है ये देखे लिप बाम जो इतने सारे इसने लिए हैं ना तो मैंने कहा अपने तुम्हारे तुमने इतने सारे लिप बाम लिए मुझे उस टाइम अंदाजा ही नहीं हुआ मैं बिजी थी मैंने पता नहीं क्या क्या इसने उठाए हुए काफ़ी सारे लिप बाम्स और लिपस्टिक तो मुझे कहते हैं, नहीं ममा ये देखे काफ़ी अच्छा है और वाकई सारे काफ़ी एक एक से बढ़ के दूसरा एक दूसरे से बढ़ के है और ये देखे ये दूसरा वाला लिप्स कुछ क्रीम है आ, लिप केयर के लिए है कि पता नहीं क्या है तो ये भी इसने कुछ अपने लिए ख़रीदा है वैसे मैं ये चीजें इतनी ज्यादा यूज नहीं करती ये ये ही मुझे चीजों का इतना तो तो बस बस काफी काफी सारी तो बस ये ये मेरा महंगा आई लाइनर और दरूर्ण दरूर्ण है। अच्छे और तो ये है एंड पे जो सबसे महंगी बेटी ने ली है ना मैंने कहा मैं इस क्योंकि बाबा के साथ थी तो मैंने कहा मैं होती ना तो मैं अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खरीदी क्योंकि ये छोटे जल्दी हो जाते हैं और फायदा ही नहीं है अच्छा इसके साथ दीजिएगा इजाज़त दुआओं में याद रखें वी लोग अच्छा लगा है तो ज़रूर ज़रूर लाइक किया करें शेयर किया करें सब्सक्राइब किया करें और फुल वॉच किया करें तो बस अगर शॉपिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है और अगर आपको इस तरह की भी लॉक कुछ और तरह की भी चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा जो आपको पसंद हो तो मैं उसी तरह बनाऊँगी तो बस दुआओं में याद रखे अल्लाह करे नया साल सबके लिए अच्छा हो इसके साथ दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़